ग्यारहवीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गरीबी या निर्धनता क्या है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति काम तो करता है लेकिन अपनी आवश्यकता की जो जरूरतें वो पूरी नहीं कर पाते, उसे निर्धनता कहते हैं। जैसे कि गरीबी से तात्पर्य उस न्यूनतम आय एक परिवार जिसके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है जिससे वह परिवार जुटाने में असमर्थ होता है, तो उसे हम गरीबी कहते हैं। अब सबसे पहले गरीबी के संबंध में कुछ विद्वानों ने कहा, जैसे गिलिन और विलियन के शब्दों में, गरीबी से आशय उस अवस्था से है जो व्यक्ति अपर्याप्त आय विवेकपूर्ण व्यय के कारण अपना परिवार सदस्यों का जीवन स्तर जो है ऊंचा उठाने में असमर्थ होता है, उसे हम गरीबी कहते हैं। फिर गोडार्ड के अनुसार गरीबी उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रित को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए आवश्यक है। रॉबर्ट मैकन माना के अनुसार असीम जीवन की एक ऐसी अवस्था है जैसे कि भोजन, अशिक्षा, बीमारी जैसी शिशु मृत्यु कम होना उसे वर्णित किया गया है। फिर गरीबी के प्रकार, गरीबी प्रकार के प्रकार जो है एक शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। तो जो शहरी क्षेत्र में गरीबी पाई जाती है उसको शहरी बेरोजगारी गरीबी कहते हैं और ग्रामीण बेरोजगारी जो गांव में पाई जाती है उसे ग्रामीण बेरोजगारी। अब शहरी क्षेत्र में लोग निवास तो करते हैं, नौकरी भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पाते हैं कि आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, तो वे निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसी तरह से हम इसे शहरी निर्धनता कहते हैं। फिर ग्रामीण गरीबी जैसे गाँव में निवास करती है, जैसे कृषि की दशा अत्यधिक गिरी हुई है, प्रतिवर्ष बाढ़ सूखा के कारण भी फसल का नुकसान होता है और ढंग से जुताई की व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे पैदावार में भी कमी आ जाती है और आवश्यकताएँ न्यूनतम हो जाती हैं। तो आधुनिक समय में गरीबी रेखा का निर्धारण जिस धारणा के आधार पर किया जाता है उसका प्रतिबंध योजना आयोग कार्यदल द्वारा 93-94 में NSS ने आंकड़ों के आधार पर किया था। योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा स्तर पर उस व्यक्ति प्रतिमास से जिसके द्वारा ग्रामीण प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्राप्त की जाती है, लेकिन लोगों को यह नहीं हो पाती। फिर है गरीबी के कारण, गरीबी के कारण क्या है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या जो जिस आधार पर बढ़ रही है या वृद्धि हो रही है उस तरह से हमारे रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही। फिर है संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार में होने के कारण व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है और वह काम करने में आलस करता है, इससे भी निर्धनता बढ़ती है क्योंकि वह एक ही व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है। बेरोजगारी भी वैसे ही संयुक्त परिवार में जिस तरह से होता है, बेरोजगारी में व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, उसकी ज़रूरतें पूरी होती, खाना मिलता, पहने कपड़ा मिलता है, तो वह कार्य करना नहीं चाहते, इससे भी निर्धनता बढ़ती है क्योंकि कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका भी पूरी तरह से विदोहन नहीं हो पाता है। फिर बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर, बीमारी और निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण भी व्यक्ति छुट्टी ले लेता है कंपनी से और वहाँ पर वह कमाई नहीं कर पाता, उतने दिन का उसका वेतन कट जाता है और वह निर्धनता की ओर अग्रसर हो जाता है, उत्पादन में भी कमी आ जाती है। फिर है साक्षरता का अभाव, साक्षरता ना होने के कारण मतलब पढ़ा लिखा वर्ग ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण भी वह निर्धनता के कारण गरीबी कारण बनते हैं। फिर मुद्रा स्फीति, बुरी आदतें, कई लोगों में बुरी आदतें होती हैं, जो पैसा वह कमा रहा है वह बुरी आदतों में शराब है, नशा है, जिस तरह से करता है उसमें वह खर्च अधिक करता है और वह गरीबी बना रहता है। फिर दुर्घटनाएँ होने के कारण व्यक्ति अपाहिज हो जाता है और इस कारण उसकी जो कमाने का जब जरिया है वह भी खत्म हो जाता है और वह काम पर नहीं जा पाता, जिसके कारण निर्धनता होती है। कृषि की पिछड़ी अवस्था, कृषि में जो छोटे छोटे किसान होते हैं वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो कृषि पिछड़ी हुई है, यह भी एक गरीबी का कारण है। फिर निम्न पूंजी निर्माण, लोगों की आवश्यकताएं ही इतनी पूरी नहीं हो पाती है तो वह बचत कहाँ से करेगी, इस तरह से पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाती है। कार्यकुशलता में कमी, क्योंकि जो कार्यकुशलता है उस आधार पर काम भी नहीं मिलता है। फिर जमींदारी प्रथा, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं छोटे मजदूरों से काम ले लेते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं देते, इससे भी निर्धनता बनी होती है। युद्ध के कारण भी यदि शांति होगी तभी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, युद्ध में अशांति के कारण भी वह भी गरीबी का कारण बनता है। फिर औद्योगिकरण के कारण भी गरीबी का कारण बनता है, क्योंकि जो क्षेत्र में उद्योग निर्माण होते हैं वहाँ पर कम
आय उनको दी जाती, कम मजदूरी दी जाती है जिससे कि उनको गरीबी बनी रहती है, उनका शोषण होता है। फिर राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण से भी गरीबी बनी रहती है। फिर उसके बाद है भारत में निर्धनता या गरीबी हटाने के सुझाव। विकास दर में वृद्धि, विकास दर में यदि वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका आय का साधन बढ़ेगा और साथ ही साथ उनकी आमदनी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगा तो उनकी विकास दर में वृद्धि होगी। साक्षरता में वृद्धि, जब वह पढ़ा लिखा वर्ग होगा तो स्वाभाविक है वह अपना कार्य अच्छे से करने लगेगा और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। फिर पूंजी का निर्माण, जब उसके बाद आय बढ़ेगी तो व्यक्ति बचत करेगा, उससे पूंजी का निर्माण भी होगा। श्रम गहन तकनीक, जो हमारे श्रम है उसको हम किस तरह से उपयोग करना है उसको भी वह उपयोग करेगा। उचित मजदूरी का भुगतान, यदि व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे जितनी मजदूरी का दर है उसे पूरा भुगतान होगा। कृषि में सुधार, व्यक्ति जब साक्षर होगा तो कृषि में भी सुधार होगा, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा तो वह कार्य अधिक करेगा। जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। मद्य निषेध, मतलब शराब निषेध, जो लोग नशा करते हैं उस पर भी रोक लगना आवश्यक है क्योंकि उस पर पैसा ज़्यादा बर्बाद होता है। बैंकिंग या साख सुविधाएँ, बैंकों और साख सुविधाएँ मतलब विश्वास बढ़ाना आवश्यक है, लोग जाके बचत कर सकें। फिर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण, जो मूल्य महंगाई बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है ताकि लोगों की निर्धनता के स्तर से वो बढ़ ऊपर उठ सके। फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं वह भी उनको समझाना आवश्यक है। फिर निर्धनता भत्ता, जिसे रोजगार नहीं मिलता या गरीबी रेखा के नीचे है उनको निर्धनता भत्ता मिलना चाहिए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीब को हटाने के लिए हम क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण मतलब जैसे जिला स्तर पर, नगरीय स्तर पर या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि उनका विकास किया जा सके और गरीबों का उन्मूलन किया जा सके। निम्न आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकताएँ उनकी रोटी कपड़ा और मकान, वह उन्हें पूरा मिलने लगेगा तो स्वाभाविक है वह गरीबी स्तर से ऊपर उठेंगे। नेहरू रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत भी लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिन का रोजगार उनको देना आवश्यक हो जाता है। फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करके भी हम गरीबी दूर कर सकते हैं। फिर रोजगार बीमा के द्वारा भी उनको हम गरीबी से दूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को जो कार्य दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उससे भी उनकी निर्धनता को हम दूर कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से भी हम गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बेरोजगार है, उसे कार्य देकर हम निर्धनता दूर कर सकते हैं। ग्रामीण समृद्धि योजना, ग्रामीण समृद्धि योजना के माध्यम से भी हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जिसके माध्यम से हम निर्धनता या गरीबी को दूर कर सकें। जैसे सिंचाई की क्षमता में वृद्धि, जब उसकी क्षमता में वृद्धि होगी तो उत्पादन में भी बढ़ेगा। फिर दालों और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करके, कृषि क्षेत्र श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी देकर, बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास करके, मतलब जो बंधुआ मजदूर हैं उनको अलग वहाँ से निकाल कर उनको मजदूरी पर लगाना। फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के कार्यक्रमों का विकास करना, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करना, मकानों की व्यवस्था करना, गंदी बस्तियों में सुधार करना मतलब सफाई व्यवस्था की व्यवस्था करना, बिजली की क्षमता में विकास करना, वनों और गोबर गैस का विकास करना, परिवार नियोजन को अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए जिससे कि वे निर्धनता से दूर हो सकें। कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा आवश्यक कर देना चाहिए। कीमत की दुकानों और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से भी, सरल उद्योगिक नीति के द्वारा भी काले धन को रोकथाम करके और सार्वजनिक उद्योगों को कुशल प्रबंधन करके। फिर है गृह कार्य, जवाहर रोजगार योजना क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, भारत में गरीबी के कारण लिखिए, भारत में गरीबी दूर करने के सुझाव दीजिए और निर्धनता की परिभाषा और ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए।